Good morning, friends. Today we are going to start with a new chapter under business correspondence and reporting, that is a note making. Note making is simply recording the notes taken from various books or lectures or meeting in your own words. Aap entire whatever you have studied, whatever you have read, whatever you have listened, तो आप उसको अपने खुद के वर्ड्स में रिकॉर्ड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नोट मेकिंग। जैसे कि आप एक लेक्चर के अंदर जाते हो, यू लिसन दैट एंटायर लेक्चर एंड ड्यूरिंग द लेक्चर यू जस्ट पिक अप द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड नोट डाउन दैट ऑन द पेपर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नोट मेकिंग। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर रेलेवेंट एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच आर इररिलेवेंट। तो आप वो इररिलेवेंट चीज को इग्नोर करते हो और जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिकॉर्ड डाउन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नोट मेकिंग। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग में क्या होता है, एज इट इज आप रिकॉर्ड करते हो, यानी सामने वाला लेक्चर कोई दे रहा है या मीटिंग में बॉस कुछ बोल रहा है और वो जो जो चीजें बोल रहा है आप सब चीज को रिकॉर्ड करते जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नोट टेकिंग। नोट मेकिंग में क्या होता है कि सामने वाला जब बोल रहा है या जिस पर्टिकुलर पेपर को, न्यूज़पेपर को, बुक्स को आप रीड कर रहे हो, तो उस चीज़ के अंदर कुछ चीज़ें इररिलेवेंट भी होती है जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ चीज़ें रिडंडेंट भी होती है, यानी एक ही चीज़ें को दो बार बोला गया है इन डिफरेंट पर्टिकुलर वर्ड्स। तो आप क्या करते हो, उसमें से जो रिलेवेंट पार्ट है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नोट मेकिंग। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया गया है कि जिसमें आपको नोट्स को रिकॉर्ड करना है नोट मेकिंग के केस, तो किस तरीके से आप नोट्स को बनाओगे, तो दैट हैज बीन गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विल जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट दे हैव गिवन, यू कैन सी हियर व्हाट इज अ नोट मेकिंग, हाउ दे हैव डिफाइंड। नोट मेकिंग इज द प्रोसेस, नोट मेकिंग इज द प्रोसेस, सो इट इज अ प्रोसेस of recording information taken from some other source. It is a process of recording. You record down. जो भी source है आपके पास, source कहाँ कहाँ से हो सकता है, source can be a book, source can be meeting, source can be lecture, तो उस source से आप record करते हो, तो that is a process of note making. What it further says, the source could be a book, it can be a book, you are reading a book. जैसे आप बिजनेस लॉ को रीड कर रहे हो, आपको बिजनेस लॉज में से इम्पॉर्टेंट चीज पिकअप करते हो और आप उसको आपके वर्ड्स में रिकॉर्ड करते हो, सो दैट लास्ट मोमेंट रिवीजन पे यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर बुक, यू विल सिंपली रीड द नोट्स विच यू हैव मेड एंड दैट विल बी सफिशियंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज दैट नोट्स हैज बीन मेड बाय यू और आपने उसमें सभी रिलेवेंट चीजें ली है। तो इट कैन बी अ बुक, इट कैन बी एनी इवेंट, आप किसी इवेंट पे गए और इवेंट पे लेक्चर हो रहा है और उस लेक्चर में से आपने इम्पॉर्टेंट थिंग नोट डाउन की और आपने रिकॉर्ड की, और अगर आपको कोई कुछ पूछता है तो आप वो फिर से प्ले नहीं करोगे वो एंटायर इवेंट का जो भी लेक्चर हुआ है, आप उसमें से जो भी आपने नोट लिया है वो सब रीड करोगे, दैट विल गिव द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। देन देयर कैन बी अ मीटिंग, आपके मीटिंग में ये नोट मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे सेमिनार्स होते हैं आपकी मीटिंग के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बॉस एक मीटिंग लेता है, सेल्स का मीटिंग है, परचेस का मीटिंग है और वो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताता है टुगेदर विद द फ्लो चार्ट एंड एवरीथिंग, तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज को पिक करते हो, तो दैट इज वन मोर सोर्स। देन देयर इज अ जनरल ओरल डिस्कशन, इट कैन बी एनी जनरल ओरल डिस्कशन। तो व्हेन यू राइट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, when you write notes in your own words, you understand the matter clearly. Obviously, जो आपके खुद आप लिखते हो तो वो ज्यादा आपको समझने में आसानी होती है rather than reading the entire book. उसमें से pick up करते हो, कुछ कुछ particular words are very difficult to pronounce. तो उस sector में आप उसका meaning निकाल लेते हो और वो क्या बोलना चाहता है आप उस particular meaning को लिखते हो, तो that is called as a note making. Now, what are the advantages? With the help of this itself, you can judge the advantages. What are the advantages? Entire lecture को shorten कर देता है. It is nothing but a short notes. Books में से जो लिखा हुआ है उसको आप short notes में बना देते हो. Passages 15 lines का है, आप उसको 3 important points में pick up करके आप डाल देते हो. So these are, it shortened the notes.
वो इम्पोर्टेंट है, इमीडिएटली आपको जज होता है, इमीडिएटली आप पिकअप कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है. तो ये सब एडवांटेजेस है नोट मेकिंग के. विल गो थ्रू व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग. व्हाट इट हैज बीन गिवन, इट हेल्प्स इन राइटिंग इन अ मोर प्लान एंड अ क्लासिफाइड मैनर. मोर प्लान एंड क्लासिफाइड मैनर. हाउ क्लासिफिकेशन विल बी डन, वन बिलो द अदर. आप there are two types of note making. One is a linear note making and one is a non-linear. We will see to it. Linear note making में क्या होता है, it is properly written one below the other and there is a proper indentation, that is a proper space given and properly you are going to write down one below. A bold point, उसके नीचे you are going to write down sub points, sub sub points and so on. So this is how you properly classify. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंट्स में लिखी है तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो दैट इज नोन एज अ क्लासिफिकेशन. इट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज याद रखने में आसानी होती है. ऑब्वियसली अगर पैराग्राफ दिया है और उसमें से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हो तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रादर मेक इट मोर इजियर टू रिमेंबर रादर देन लर्निंग द एंटायर पैराग्राफ, रादर देन मेमोराइजिंग द एंटायर पैराग्राफ. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द पॉइंट्स. देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक बेटर. इट सेव टाइम. एंड इफ देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, नोट मेकिंग हेल्प्स टू स्कैन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस इट टू द साइज विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली बहुत बड़ा साइज है उसको छोटा कर दो. ये नोट मेकिंग का काम है. इतना सब चीजें याद रखने से इतने बहुत सारी चीजें रिडंडेंट होती है. रिडंडेंट का मीनिंग क्या है कि रिपीटेटिव होती है. तो इतनी सारी चीजों को इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, यू जस्ट पिक अप द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर, क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट बुक यू नोट अप. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल बी मेमोराइज. वो इजीली मेमोराइज हो सकता है एंड इट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. कभी भी आपके नोट्स को बुक्स को फिर से पूरा पढ़ना, अरे यार कुछ तो भी पढ़ा था, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन से पेज पे था याद नहीं है. लेकिन अगर आपने आपके खुद के नोट्स बनाए तो आप इजीली उसको रिफर करके वो पॉइंट्स को याद रख सकते हो और वो कभी भी फ्यूचर में आपको यूजफुल रहेगा. नाउ what are the different types and styles of note making? There are two types of note making. One is a linear note making and one is a non-linear note making. Linear note making mein kya hota hai, linear note making ke andar proper indentation ke hisab se proper space aap aapke page pe left hand side mein chhodte ho. Generally you write from left hand. Urdu sirf aap right hand side se likhte ho. लेफ्ट हैंड साइड से यू राइट डाउन एंड प्रॉपरली आप वन बिलो द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पॉर्टेंट में सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट से तो थोड़ा आगे लिखते हो, और उस सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो कुछ और आगे लिखते हो. यानी यू राइट डाउन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से थोड़ा स्पेस यहाँ पे आप यू विल लीव इट एंड यू राइट डाउन. इस सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी कुछ इम्पॉर्टेंट है तो और स्पेस आप छोड़ोगे, और इस तरीके से आप लिखते जाओगे. तो इससे क्या होगा कि अगर आप उसको रिफर करते हो तो प्रॉपर इंडेंट, जैसे टाइपिंग में होता है प्रॉपर स्पेसिंग होता है, उसी के हिसाब से आप कंप्यूटर का टाइप करते हो, कंप्यूटर का प्रिंट आउट निकालते हो, यू विल सी टू इट के एक वर्ड इधर एक वर्ड उधर, प्रॉपर इंडेंटेशन. तो इन द सेम मैनर लीनियर नोट मेकिंग में क्या होता है, आप प्रॉपर इंडेंटेशन प्रॉपर स्पेस छोड़ते हो और बराबर यू राइट डाउन. यानी अगर ये ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके नीचे बी, तो बराबर इसी के नीचे ये सेकंड बी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, फिर उसके नीचे यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट, सब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सो ऑन. तो इट विल फ्लो लाइक दिस. तो इट्स वेरी इजी टू रीड और वो अट्रैक्टिव दिखता है. तो इसे बोलते हैं आप लीनियर नोट. तो व्हाट इट हैज बीन गिवन, नोट्स आर रिटन डाउन द पेज वन लाइन आफ्टर द अदर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर. You write down in a proper manner. First you write down a heading. Heading यानी जो particular वो passage का important point है. जैसा comprehension में मैं आपको बोल रहा था कि हर passage का एक specific उन्होंने idea दिया हुआ है, तो first you write down that idea.
सो दैट व्हेन यू रिफर द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर कोई वो क्वेश्चन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पड़ा है तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वंस अगेन यू विल जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने साइड में लिख के रखा है दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या बोलेंगे उसको हेडिंग दैट इज अ मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट एक जितने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हर एक पैराग्राफ या हर एक स्ट्रक्चर के अंदर देयर विल बी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पिक करना है उसको यहाँ पे लिखना है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे देयर विल बी एन नंबर ऑफ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज बोलिए उसके बारे में और चार चीज उन्होंने आइडिया दिया है कोई भी एक चीज बोला है कि कॉम्पोजिशन है कॉम्पोजिशन एक पर्टिकुलर चीज के बारे में तो दैट इज एन हेडिंग या फिर एक पर्टिकुलर देयर आर फाइव डिफरेंट पैराग्राफ्स तो एक पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आएगा उस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या बोला है वो यहाँ लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज सब हेडिंग सब हेडिंग के अंदर देयर विल बी सब पॉइंट में देयर विल बी सब सब पॉइंट तो दिस इज हाउ इट विल फ्लो हेडिंग सब पॉइंट सब सब पॉइंट दिस इज हाउ उसके बाद दिस विल कंटिन्यू दिस विल बी ए अगेन देयर विल बी अ बी इन द सेम मैनर अगेन बी का हेडिंग देन देयर विल बी अ सब हेडिंग देयर विल बी अ सब पॉइंट देयर विल बी अ सब सब पॉइंट अंडर हेडिंग नंबर बी Then there will be C. That means I am going through various paragraphs and just picking the important headings in that particular paragraph. और उस paragraph को फिर मैं sub heading में divide कर रहा हूँ, sub heading को फिर मैं sub point को sub sub points में. तो ये A, B, C and so on it will continue. And in the last, you are going to write down the keywords. Keywords, abbreviation used. Generally, when you prepare this. इसमें आप वर्ड्स को शॉर्टन करके लिखते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जैसे कि जनरली प्रोडक्शन को यू कैन राइट द एंटायर स्पेलिंग ऑफ प्रोडक्शन पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एल और सिंपली यू कैन राइट डाउन पी आर ओ डी एन एन तो दैट विल गिव एन आइडिया कि दिस इज अबाउट प्रोडक्शन ये आपको किसी को बताने नहीं है आपको खुद के रेफरेंस के लिए यूज करना है तो देर आर सर्टन मेथड ऑफ एब्रीवेशन वो भी वी आर गोइंग टू रिफर कि एब्रीवेशन आप किस तरीके से बनाएंगे लॉन्ग वर्ड्स बहुत बड़ा है तो उसको किस तरीके से आपको एब्रीवेट करके शॉर्ट करना है तो दैट इज तो यहाँ पे ये जितने भी ए बी और सब हेडिंग सब पॉइंट्स में आपने जितने भी ये पूरे पार्ट के अंदर जितने भी शॉर्टन वर्ड्स यूज किए एब्रीवेशन यूज किए उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे दोगे इन द लास्ट के ये पी आर ओ DN stands for production and so on. N number of जितने भी abbreviations आपने use किए उसका detail आप last में दोगे कि इस particular word का ये meaning है so that आपके notes कोई और भी refer करता है तो he should be able to understand कि ये shortened words का exact word क्या है तो वो last में abbreviation जैसे कि आप अगर आपके books देखोगे authors जो रहते हैं एट द लास्ट दे विल गिव यू द कीवर्ड्स के कहीं कहीं पे शॉर्टन वर्ड्स यूज हुए तो वो शॉर्टन वर्ड्स एग्जैक्टली क्या है दैट इज एन एब्रीवेशन उस एब्रीवेशन का डिटेल आप लास्ट में दोगे देन देयर इज सर्टेन सिंबल्स यू आर गोइंग टू यूज देन देयर इज सर्टेन एक्रोनिम्स यू आर गोइंग टू यूज वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस ये लास्ट में आप इसका भी एक पैटर्न है वो आपने किस तरीके से नोट डाउन करना है दैट विल बी गिवन सो दिस इज अ लीनियर नोट मेकिंग लीनियर नोट मेकिंग में क्या होता है एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आप नोट डाउन करते हो सभी चीजें वहां पे सबसे पहले आपका टॉपिक आ जाएगा स्टार्ट में फिर देन यू स्टार्ट देन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगे उसको हेडिंग बोलते हैं और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर यू आर गोइंग टू डिवाइड इट देन हेडिंग गोज विद सब हेडिंग सब हेडिंग गोज विद सब पॉइंट गोज विद सब सब पॉइंट तो हर एक डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ये रहेगा डिफरेंट आइडियाज के लिए देर विल बी देर विल बी डिफरेंट हेडिंग्स एंड इन द लास्ट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द कीवर्ड्स कीवर्ड्स में क्या कवर होंगे के एब्रीवेशंस आपने कौन कौन से शॉर्टहैंड वर्ड्स यूज किए दूसरा रहेगा आपका सिंबल्स आपने अगर यूज किए तो वहां पे सिंबल्स का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि एरोज अगर आपने दिया है तो वो एरोज का मीनिंग क्या है वो एरोज को डिफाइन यहाँ पे करेंगे उस सिंबल्स में डिफाइन करेंगे देन देयर विल बी एक्रोनिम्स
These also I am going to explain you in the coming lecture. Then there is a non-linear note making. One is a linear note making and one is a non-linear note making. Non-linear note making mein there are different types of notes which you are going to note down. Now what are you? Non-linear note making. They present notes in a diagrammatical or non-linear form, in a diagram form. डायग्राम यू आर अवेयर इज व्हाट इज अ डायग्राम जनरली साइंस में डायग्राम्स होते हैं तो वो डायग्राम फॉर्म में आप रिकॉर्ड करोगे या फिर नॉन लीनियर फॉर्म यानी इट्स नॉट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म बट सम अदर फॉर्म सच एज इट कैन बी अ डिफरेंस पैटर्न आप डिफरेंशिएशन रिकॉर्ड करते हो तो एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो हॉरिजॉन्टल दो पार्ट्स बनाते हो और आप उसको डिफरेंशिएट करते हो कोई पर्टिकुलर चीज है तो So that is one of the part of non-linear note making. Then there is diagram होता है. Generally आप science में जैसे diagrams draw करते थे यहाँ पे उसको you call it as a mind map. तो यहाँ पे भी आपके mind में जो चल रहा है उसको paper पे note down करते हैं in the form of diagram. Then there is a flow chart. Then there is a tree diagram. So all these are a part of non-linear note making. There are four things they have divided. One is a mind map. Second one is a flow chart. Third one is a tree diagram. And fourth one is a tables. Tables is in table format. So these are the four types of non-linear note making. Just we'll refer what are those. First they have given mind map. Visual representation of information ideas are present in a diagram. Visual representation of information. Visual representation, not a structure representation. Visual representation, जैसा अपन बुक में जनरली आप सुनते जाते हो लिखते जाते हो उसको सर्कल करते जाते हो जहां जहां और वो फिर लाइक एक ब्रांच को यू डिवाइड इट इट इज इन द एनी वे आप कोई भी मैनर में आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जस्ट कि वो डायग्राम आपको इमीडिएट आइडिया दे कि आप इस चीज के बारे में क्या बोलना चाहते हो या इस चीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई हैव टेकन व्हिच हैज बीन आल्सो गिवन इन योर मॉड्यूल सम हैड हियर व्हाट दे आर गिवन दे आर हियर गिवन एन आइडिया अबाउट हेल्थ तो हेल्थ इज अ टॉपिक अब वो हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ये ट्री डायग्राम ये माइंड मैप के हिसाब से ये डायग्राम के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया गया ये हेल्थ इज अ मेन आइडिया और हेल्थ पे देन देयर इज अ सब हेडिंग हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है स्लीप इंपॉर्टेंट है डाइट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज तो हेल्थ के लिए ये चार मेन आइडिया वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट हेल्थ यहाँ पे हेल्थ के बारे में बोलना है तो अब हेल्थ के बारे में आपको बोलना है तो आप लीनियर नोट मेकिंग के हिसाब से भी ये नोट्स बना सकते हो नॉन लीनियर के हिसाब से डायग्राम फॉर्म में बनाना है तो कैसा बनाएंगे मेन आइडिया दे आर आस्किंग अबाउट हेल्थ अब हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट ये है कि डाइट इंपॉर्टेंट है स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेस लेवल आपका कितना होना चाहिए वो हेल्थ को डिफाइन करता है अब ये चारों के लिए देन देयर विल बी अ सब पॉइंट्स स्लीप में क्या होता है इनसोम्निया 33% वन थर्ड ऑफ योर लाइफ गोज इन स्लीप तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप इज वेरी इनसोम्निया का मीनिंग क्या है कि स्लीपलेसनेस जिसको नींद नहीं आती है अगर नींद आप बराबर नहीं लेते हो तो देन देयर इज अ कॉज ऑफ बैड हेल्थ इट विल लीड टू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो ये आपका मेन आइडिया हो गया सब आइडिया सब सब देन देयर विल बी अ सब पॉइंट्स और उसमें आप आगे और कुछ डिफाइन करते हो कि इनसोम्निया का कारण क्या है व्हाट इज द रीजन ऑफ इनसोम्निया इनसोम्निया कैन बी अ टेंशन डिप्रेशन दिस इज अ कॉज ऑफ इनसोम्निया तो दिस इज हाउ यू डिफाइन दिस देन देयर इज एन डाइट डाइट के लिए क्या क्या चीजें आप लेना चाहिए जनरली क्या नहीं लेना चाहिए तो यू कैन से दैट के व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंगली देन देयर इज अ स्ट्रेस स्ट्रेस किस वजह से आता है तो दे हैव गिवन एग्जाम्स उसके कॉजेस क्या है इफेक्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट विल रिजल्ट इन अ स्ट्रेस तो ये चीजें जनरली आपको देखना है कि स्ट्रेस लेवल किस कारण से आ रहा है और आप कैसा उसको कम कर सकते हो एंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए दैट हैज बीन गिवन तो दिस इज नथिंग बट लाइक अ माइंड मैप
आपने आप जो चीज सोच रहे हो उसको आपने पेपर पे नोट डाउन किया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइंड मैप. देन देयर इज अ सेकंड नॉन लीनियर नोट मेकिंग इज अ टेबल. व्हाट इज दे हैव गिवन, टेबल इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन, एक्सट्रीमली सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज. दिस जनरली यू हैव ऑलरेडी डन. आप जब डिफरेंशिएशन करते हो, यहीं पे आपने देखा है कि डिफरेंशिएशन एग्जांपल्स आर गिवन, लीनियर एंड नॉन लीनियर नोट मेकिंग. लीनियर नोट मेकिंग इज व्हाट, लीनियर नोट मेकिंग इज नॉन विजुअल, इट इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट. बट व्हाट इज आई एम डीमेरिट ऑफ दिस इज डिफिकल्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नोट डाउन द वेरियस इंफॉर्मेशन, और एक इंफॉर्मेशन उसको इंसर्ट करना है तो वो डिफिकल्ट है, यू कैन नॉट इंसर्ट दैट. However, it's very easy under this. आप एक और ब्रांच बना लो, उसको रिकॉर्ड कर लो, तो that is a non-linear. तो non-linear में क्या बोला है, it is visual note making, non-structured, no fixed format, easy to add information. तो this is a table format of note making. आप table format draw करते हो और table format में you put down the information, तो that is called as a table note making. Then there is a flow chart. You are aware with what is a flow chart. The flow chart is generally used in a computer's flow chart. कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो उसका outcome क्या होगा. तो that is generally a flow chart. So what they have given? It is in the form of boxes connected with the arrows, which give clear idea of sequence of events. Clear idea. If one of the things I have, और अगर वो हा में आंसर है तो वो कहां लीड करेगा, अगर वो ना में आंसर है तो कहां पे लीड करेगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा. तो दिस इज व्हाट इज अ फ्लो चार्ट अबाउट. देन लास्ट वन इज अ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम इज जनरली अ यूज के अगर हायरार्की डिफाइन करना है तो जनरली ट्री डायग्राम यूज होता है. यहाँ पे आई हैव गिवन वन ऑफ द एग्जांपल, बैंक कैरियर हायरार्की. जैसे कि ये आपका माइंड मैप है, इसी को अगर ट्री डायग्राम में ड्रॉ करना है तो फर्स्ट थिंग विल बी एन हेल्थ, देन देयर विल बी दिस फोर ब्रांचेस और इस ब्रांच के ये सब ब्रांचेस. तो दिस इज व्हाट ये स्ट्रक्चर्ड, आई मीन हियर इन द ट्री डायग्राम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप ये माइंड मैप को ड्रॉ लिख सकते हो. तो ट्री डायग्राम में वन ऑफ द एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, दे हैव गिवन बैंक कैरियर हायरार्की. बैंक में किस तरीके से हायरार्की चलता है, देयर इज अ फोर लेवल्स. वन इज अ जूनियर मैनेजर, वन इज अ मिडिल मैनेजर मैनेजमेंट, देन देयर इज अ सीनियर मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट. तो जूनियर मैनेजर कौन, जूनियर मैनेजमेंट में क्या आता है, क्लर्क आता है, ऑफिसर्स आते हैं. मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर्स आते हैं, सीनियर मैनेजर्स आते हैं. सीनियर मैनेजमेंट में चीफ मैनेजर आता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आता है. टॉप मैनेजमेंट में डेप्यूटी जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट होता है. तो दिस इज जनरली एन हायरार्की डिफाइन इन अ ट्री फॉर्मेट. तो दीज आर द डिफरेंट वे ऑफ नोट मेकिंग. So note making is divided in two types. One is a linear note making and one is a non-linear note making. Linear note making is simply putting down the information in the heading, subpoint, sub-subpoint format, and in the last you will put down the keywords. Keywords will include abbreviations, will include symbols, will include acronyms. Fine. And non-linear note making में क्या होता है, non-linear note making में होता है आपका, there are four types of non-linear note making. One is a mind map, second one is a table, third one is a flow chart, and fourth one is a tree diagram. So this is all about note making. Now we'll try to understand how the abbreviation should be formed, how the word should be shortened, what are the symbols and what is signifies, जो symbols होते हैं वो signify क्या करते हैं, and how, what is the use of acronyms under note making. So we will just study about that. We will just see what are the acronyms and how the word has to be abbreviated and used in your note making process. So these are the certain things which you should be aware of. Now the ways of abbreviation, how to shorten the words have been given. There are different ways of shortening the words, abbreviating the words. The first one is, you can see over here,
there is use the beginning of the words. Use first few words. First few words are generally used instead of writing the entire words. आप first few words आप आपके note making में use करोगे. Note making is generally for your purpose. तो it's not necessary आप किसी आप उसको प्रिंट करवाने नहीं दे रहे हो, आपके खुद के यूज करने के लिए उस नोट्स को बना रहे हो. तो जितना शॉर्टन आप कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसको इमीडिएटली रेफरेंस देके आप याद रख सकते हो. तो हाउ द वर्ड शुड बी शॉर्टन, फर्स्ट वे इज टू यूज द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ अल्फाबेट्स आप यूज करोगे. दिस इज इंफॉर्मेशन के अंदर यू आर यूजिंग इन्फो. अगर आप यूज करते हो तो वो जनरेट करेगा कि यू वांट टू से अबाउट इंफॉर्मेशन. सिमिलरली मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम, कॉर्प स्टैंड फॉर कॉर्पोरेशन, एंड देयर मे बी सर्टेन अदर एग्जांपल्स आल्सो. सेकंड वे ऑफ एब्रीवेटिंग द वर्ड्स इज यूज द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स विद अ फाइनल लेटर. कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग फ्यू अल्फाबेट्स और लास्ट अल्फाबेट आप यूज करते हो. जैसे कि गवर्नमेंट के केस में GOV एंड T स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट. डिपार्टमेंट में DEP एंड T डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन PROD एंड N प्रोडक्शन. तो दिस यू आर गोइंग टू यूज दिस एब्रीवेशंस इन योर नोट मेकिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एब्रीवेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली में लिखना क्या चाहते हो. थर्ड वे ऑफ एब्रीविएटिंग इज ओमिट वॉवल्स. Now what is vowels? A-E-I-O-U. आप आपके abbreviation के अंदर आप vowels को omit कर दोगे, use नहीं करोगे. जैसे कि problems में vowel is O and E. आप उसको eliminate करोगे. You can write in this manner. Then school you can write in this manner and years in this manner. It can easily understand के what is an actual word. Then use the first letter and the last letter of word. First letter and the last letter. Mount, M and T. Girl, G and L, and so on. You can use that. Mr, M and R. Generally you use MR. Mr. Robert. It doesn't stand for medical representative. MR dot stands for Mr. Then shorten the suffix at the end of the word. Generally affix and suffix. Affix starts mein or suffix end mein. So aap generally end ka टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आप नहीं लिखते हो, उसको शॉर्ट करके लिखते हो. स्टार्टिंग के वर्ड्स है प्रोडक्शन, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एंटायर वर्ड प्रोडक्ट, एंड यू आर गोइंग टू एलिमिनेट IO एंड सिंपली यू राइट डाउन N. दैट स्टैंड फॉर प्रोडक्शन. सिमिलरली प्रोसेसिंग, यू आर गोइंग टू राइट डाउन प्रोसेस एंड इन द एंड G स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग. सिमिलरली डिक्रीजिंग, यू आर गोइंग टू राइट डाउन डिक एंड G और डिक्रीज और G. इन दिस पर्टिकुलर मैनर यू आर टू एब्रीविएट द words. Then there are common symbols, how the general symbols are used in note making. These are some of the examples of symbols, and you are generally aware with this is a sign for and, this is a sign for percentage, this is a sign for rupiah, dollar, money, this is a sign for at the rate, this is a sign for inches, then this is a sign for male, symbol for female, leads to. अगर एरो आगे के साइड है तो लीड्स टू, अगर पीछे के साइड है तो कॉज बाय, एंड दिस इज स्टैंड फॉर इंक्रीज, दिस स्टैंड फॉर डिक्रीज, ग्रेटर देन, लेस देन, देयरफॉर, और इन द रिवर्स फॉर्मेट बिकॉज. दीज आर जनरली सिंबल्स यू आर गोइंग टू यूज इन योर नोट मेकिंग. एंड फाइनली दीज आर द एक्रोनिम्स. जनरली एक्रोनिम्स यूज. CAO इज अ चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर. फाइन, तो यहाँ पे ये जनरली एक्रोनिम्स आपके इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर वर्ड जस्ट आप एक एक्रोनिम यूज करते हो, शॉर्ट अल्फाबेट्स यूज करते हो, जो सिग्निफाई करता है कि एक्चुअली आप नोट मेकिंग में बोलना क्या चाहते हो. यू कैन सी ओवर हियर. तो CAO स्टैंड्स फॉर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर. देयर इज CEO इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. CFO फिनेंशियल ऑफिसर. IO इंफॉर्मेशन ऑफिसर. MO मार्केटिंग ऑफिसर. DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ. SUV स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल. जनरली आप व्हीकल्स के पीछे देखोगे तो SUV होता है या LUV होता है, दैट इज लाइट यूटिलिटी व्हीकल. देन FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज अकाउंट्स एक्रोनिम. ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी.
ROI is return on investment. ROI also stands for return on rate of interest. Sorry. Then USP is unique selling point. Generally, you say that what is the USP of this product? So that is a unique selling point. What is a unique identity of this particular product? जिसके वजह से आप वो goods को sell कर सकते हो. That is called as a unique selling point. Then there is a SWOT: strength, weakness, opportunity, threat. OTC is over the counter. So these are some of the acronyms which you will use in your note making. Now, for your purpose, homework is just to find certain additional way of using the symbols and acronyms. This is for your homework. आपको 10 additional symbols और 10 additional acronyms find करके you have to give to me on WhatsApp. Fine. This is your homework. So this is how the note making is done. के there are two ways of note making. One is a linear note making and one is a non-linear note making. Linear note making में there is a structure format. It will start with एक important point है तो उसको heading और उसके नीचे sub heading, उसके नीचे sub point, उसके नीचे sub sub point. एक एक चीज को explain कर देंगे. फिर again second heading का second sub point, फिर उसका sub point, sub sub point and so on. थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग एंड सो ऑन. हर एक पैराग्राफ या फिर एक पर्टिकुलर मैसेज दो पैराग्राफ के अंदर है तो एक उसका हेडिंग बनेगा, उसका फिर सब हेडिंग बनेगा. सब हेडिंग को फिर एक्सप्लेन करने के लिए यू आर गोइंग टू राइट डाउन सब पॉइंट. फिर एक स्पेसिफिक सब पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए देयर विल बी सब सब पॉइंट. इट विल स्टार्ट इन दिस मैनर. फर्स्ट इट विल गो विथ, अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यहाँ पे अगर दिस यू हैव रेड वन ऑफ द पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव मेन आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ पैरा यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड दैट विल बिकम योर हेडिंग. ये आपका हेडिंग हो गया. हेडिंग के अंदर फिर इस हेडिंग के जैसे द मेन आइडिया मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पैरा, देन देयर विल बी सब हेडिंग. यू कैन कॉल इट एज ए पॉइंट. इसके सब हेडिंग, इसमें क्या कवर किया गया है, इसमें दो सब हेडिंग्स कवर किए गए, तो यू कैन कॉल इट एज ए, यू कैन कॉल इट एज बी. दिस इज कैपिटल ए में दिस टू पॉइंट्स दे हैव कवर. फर्स्ट पैरा में मेन आइडिया क्या है, उस मेन आइडिया में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे हैव कवर. अब इस सब हेडिंग में देयर विल बी सब पॉइंट्स, दो सब पॉइंट्स हैं. और ये पॉइंट नंबर टू में अगेन देयर आर टू इंपॉर्टेंट सब सब पॉइंट्स, सब सब पॉइंट्स. तो इस तरीके से इसका फ्लो चलेगा. इन दिस मैनर इट विल गो. फाइन. सिमिलरली पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर बी में अगेन देयर आर टू सब पॉइंट्स. ये सब पॉइंट्स में अगेन देयर आर सब सब पॉइंट्स. सेकेंड सब पॉइंट बराबर ये हो गया आपका पॉइंट नंबर, ये हो गया हेडिंग में पहला सब हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग, देन अगेन हेडिंग. ये सेकेंड पैरा का कॉन्सेप्ट आइडिया या फिर कोई और चीज दी हुई है तो उसका सेकेंड हेडिंग बराबर, या सेकेंड पैरा का मेन कॉन्सेप्ट मेन आइडिया हेडिंग. अगेन इट विल स्टार्ट विथ दिस सब हेडिंग. यहाँ पे एक ही सब हेडिंग है और ये सब हेडिंग के अंदर देन देयर इज ओनली वन सब पॉइंट. ये वन सब पॉइंट में देयर आर फोर सब सब पॉइंट्स.
एंड सो ऑन, अगेन सी, अगेन डी, एंड इन द लास्ट आप ये सी हेडिंग बराबर इस तरीके से आप नोट डाउन करोगे और लास्ट में कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में इट विल कवर एब्रीवेशंस, इट विल कवर सिंबल्स और एक्रोनिम्स। आपने ये पूरे नोट मेकिंग, लीनियर नोट मेकिंग में जहां जहां भी यू हैव यूज्ड एनी एक्रोनिम्स, यू हैव यूज्ड एनी एब्रीवेशंस, यू हैव यूज्ड एनी सिंबल्स, वो पूरा डिटेल आप नीचे कीवर्ड्स में दोगे कि ये पर्टिकुलर एब्रीविएट वर्ड का एक्चुअल वर्ड क्या है, ये सिंबल का एक्चुअल वर्ड क्या है, ये एक्रोनिम्स का एक्चुअल वर्ड क्या है, दैट विल बी गिवन इन द लास्ट कीवर्ड। तो दिस इज हाउ द लीनियर नोट मेकिंग वर्क्स। देन देयर इज अ नॉन लीनियर नोट मेकिंग, इट्स वेरी सिंपल, इट इज अ माइंड मैप, सिंपली टू ड्रॉ अ डायग्राम और आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको आप डायग्राम फॉर्मेट में, लेकिन यही चीज जो आप डायग्राम फॉर्मेट में ड्रॉ करोगे देयर विल बी अ मेन आइडिया, उसके ब्रांचेस देयर विल बी अ सब हेडिंग एंड सो ऑन। देन देयर इज अ टेबल फॉर्मेट, देन देयर इज अ टेबल फॉर्मेट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड वन इज अ फ्लो चार्ट, जनरली यूज टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यूज इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। Then there is lastly in the form of hierarchy, अगर आपको tree diagram जिसको अपन बोलते हैं। तो these are all ways of note making, linear note making and non-linear note making. So just go through these all the notes and then in the next coming lecture we will just try to solve with the help of one of the passage they have given, how to note down on the paper, how to make the notes of that passage. We'll just see to it in the next class. Right? Bye everyone.